सब्सक्राइब करें धारावली टेक्नो नॉलेज एंड स्टडी पॉइंट को और दबाएं बाजू की बेल आइकन की घंटी को, जिससे पाएं हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल एंड कंप्यूटर पर। हेलो एंड हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड संबंधी कुछ न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो न्यूज़ आप शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। हम आपको एक अच्छी न्यूज़ देंगे जो कि यूपी बोर्ड संबंधी इंटर और हाई स्कूल संबंधी वीडियोज है और न्यूज़ है। तो मैं संतोष कुमार आपके धरौली टेक्नो नॉलेज एंड स्टडी पॉइंट पर एक बार स्वागत करते हैं। हमारे चैनल का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बाजू में बेल आइकन आएगी उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपको यूपी बोर्ड की सारी तैयारी करा सकें और कंप्यूटर मोबाइल की टेक्निकल संबंधी वीडियो हम डालते रहते हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थंबनेल में देखें कि आपका जो 40 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका प्रश्न पत्र दो प्रश्न पत्र होते थे, सभी प्रश्न पत्रों का केवल एक ही पेपर होगा, यानी जो कहते हैं कि दो दो पेपर होते थे अब सिंगल सिंगल पेपर होगा, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर। तो यूपी बोर्ड ने ये निर्णय लिया है हमारी सरकार ने, और ये पैटर्न जो है एनसीईआरटी का लगा दिया है। तो एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से आपका आपकी बार चेंजेज हुआ है यही। तो जैसा कि आपको हम ये दिखा रहे हैं, न्यूज़पेपर का पेज है, इस न्यूज़पेपर की पेज में आपको 40 विषयों में दो की जगह एक पेपर दिखाया गया है। उसके बाद आपका यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा में अहम बदलाव जो किया गया है, इसमें बदलाव क्या है आपको जैसा कि हम दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका बदलाव दिखाया गया है। ये कुछ बदलाव हैं, यहाँ पर पहली लाइन है आपका कि 2019 की बोर्ड परीक्षा के लिए किया गया बड़ा बदलाव। दूसरी लाइन है आपका सभी बोर्ड से एक रूपता लाने के क्रम में घटाए गए पेपर। तीसरा है आपका बोर्ड इन विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये न्यूज थी, आप इसको इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को आप आराम से रोक करके पढ़ सकते हैं, या आप हम पढ़ के थोड़ा सा बता रहे हैं कि इसमें यूपी बोर्ड ने 2019 की परीक्षा से इंटर के 40 विषयों में एक प्रश्नपत्र करेंगे, जिससे कि आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CIESE आदि से एकरूपता बनाए रखने और सारी चीज़ें आपका NCERT का जो पैटर्न लागू किया गया इसी का कारण है। और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये विषय क्या है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान समेत 24 विषयों के पेपर अपलोड हो चुके हैं, आपका अपलोड कर दिया गया कैसा प्रश्न पत्र है, और 12वीं का कोर्स अलग अलग, 11वीं 12वीं का कोर्स अलग किया गया है। बोर्ड इंटर में 105 विषयों को लिखित परीक्षा कराता है, इसमें 41 ट्रेड विषय भी सम्मिलित हैं। 11वीं के किसी पेपर की परीक्षा में बोर्ड कराता है, इस तरह से ये है आपका पढ़ सकते हैं। इसमें आपका एक एक पेपर होगा, तो आप ध्यान में रखिएगा केवल 6 पेपर होना है अगर, तो 6 पेपर होगा, कहने का मतलब इंटर में आपका 5 पेपर होगा और हाई स्कूल में 6 पेपर होगा, तो कुल मिलाकर के आपका सिंगल सिंगल देना है। तो ये थी आज की न्यूज़, और यूपी बोर्ड संबंधी वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा, और आपको हम डेली एक एक न्यूज़ देते रहेंगे और हाई स्कूल इंटर संबंधी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए वीडियो जल्द ही हम लेकर आते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और जो भी दिक्कत हो कमेंट करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।